मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ का इल्जाम झेल रही सुल्तानपुर नगरपालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल और उनके पति जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल के खिलाफ सभासदों ने बगावत कर दी है। बगावत करने वाले सभासदों में अधिकांश बाहुबली बसपा नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू और यश भद्र सिंह मोनू के करीबी हैं, जिससे सियासी गलियारों में चर्चा है कि अजय जायसवाल किसी बाहुबली के यस मैन नहीं बल्कि भाजपा के यस मैन हैं। जी हां, सुल्तानपुर में सोनू सिंह के करीबी सभासद रमेश सिंह टिन्नू, अमोल वाजपेयी, सज्जाद खान और अजय सिंह ने चेयरमैन बबीता जायसवाल और उनके पति अजय जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन पर गंभीर आरोप लगाए। निश्चित रूप से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और सत्ता को ये चाहिए, शासन को ये चाहिए, क्योंकि वो कहती है कि मैं भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करूँगी, भ्रष्टाचार को हटाऊंगी। ऐसे में इनको तुरंत पद से पदच्युत करना चाहिए। अच्छा, टैक्स की बात की जाए तो नगर पालिका का जो भी टैक्स वसूला जा रहा है पार्किंग के नाम पर, कितनी जमीनें हैं पालिका के पास जिसपे पार्किंग वसूलना है? नगर पालिका की अपनी कोई जमीन नहीं है, उस पर PWD ने आपत्ति भी किया है, जिलाधिकारी महोदय को भी लिखा है कि PWD की जमीन पर नगर पालिका टैक्सी स्टैंड चला रही है, फर्जीवाड़ा करके उसमें करोड़ों का कमाई कर रही है, जबकि इनको चाहिए PWD से जमीन लेकर PWD को किराया दे। भाजपा के दो ही नारे थे, एक नारा था कि भ्रष्टाचार मुक्त, दूसरा नारा था सबका साथ सबका विकास, और सुल्तानपुर नगर पालिका में दोनों नारों की धज्जियां उड़ाई गई। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, जहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 70% नॉन मुस्लिम वोटर मुझको सपोर्ट करते हैं, ये मेरा सौभाग्य, मेरा कर्तव्य। बहरहाल, राजनीति में कब दोस्ती और दुश्मनी का पैमाना बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अजय जायसवाल बाहुबली सोनू सिंह के तब करीबी थे जब वो भाजपा में थे, अब तो दल बदल चुका है तो दिल का बदलना भी स्वाभाविक है। इसको तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी योगी सरकार का जो नारा था वो धूमिल हो रहा है। पूरी तरीके से अध्यक्ष नगर पालिका जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही हैं और चुनाव जीत के आई हैं, वो धूमिल कर रही हैं। सीधे सीधे हमारी उंगली, हमारे साथी सभासदों की उंगली इस समय वर्तमान सरकार के ऊपर उठती है जो इनको बचाने का काम कर रही, तब जबकि 12 अक्टूबर 2018 को ही यहां से जांच रिपोर्ट एक बार पहले जा चुकी और दूसरी जांच रिपोर्ट अब ये गई है। उसके बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही तो सीधे हम लोगों का मानना है कि सरकार इनको बचा रही है। सुल्तानपुर से NDTV भारत के लिए निसार अहमद के साथ सुजीत कसौदन की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।